14वां नंबर है, किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए से बीसी पर डाला गया लंब बीसी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि बीबी बराबर 3 CD, बीबी इज इक्वल टू 3 CD है। देखिए आकृति 6.55। सिद्ध कीजिए कि 2AB² इज इक्वल टू 2AC² प्लस BC². तो पहले हम फिगर बनाते हैं। और इसका नाम है ए बी बी, इसमें लंब खींच रहे हैं ए बी, तो गामा नंबर है। हमको सिद्ध करना है AB² इज इक्वल टू 2AC² प्लस BC² दिया है। हमें लिखेंगे दिया है लंब है अर्थात ADB और ADC दोनों क्या है बराबर, मतलब लंब है ना 90°। और बराबर ये आपको मालूम है। तो 2AB² और 2AC² फिगर देखिए, 2AB² 2AC² और साथ में आपको BC² ये सब आपको सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे कि त्रिभुज देंगे पहले ये वाला, ठीक है, त्रिभुज ए डी सी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए डी सी में पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, उत्तर हो गया AC² लंब है AD² आधार हो गया CD², इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब समकोण त्रिभुज ले लेंगे ADB में, समकोण त्रिभुज ADB में इसमें भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा AB² इज इक्वल टू AD² प्लस BD² हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। और अब जो है हम इन्हें क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा समीकरण एक, समीकरण एक व समीकरण दो को क्या करेंगे जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो क्या आएगा AC² प्लस AB² इक्वल टू AD² प्लस CD², लेकिन एक काम किया जाए इसमें AD² नहीं है क्या, नहीं है ना, तो AD² काटा जाए ना कि जोड़, मतलब काटने के क्या करेंगे दोनों को घटाएंगे तभी AD² गायब होगा, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। AD² प्लस CD² हटाएंगे, AD² प्लस BD² को हटाएंगे, ठीक है, हटाने का चिन्ह लगा के दोनों को कोष्ठक के अंदर रखेंगे। अब कोष्ठक खोलेंगे तभी माइनस अंदर गुणा कराएंगे कोष्ठक खुलेगा, तो AC² प्लस AB² इज इक्वल टू AD² प्लस CD² माइनस AD² माइनस प्लस AC² प्लस AB² इज इक्वल टू
सी डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अब एक बार लिखा देखते हैं क्या सिद्ध करना है। ए बी स्क्वायर दिख रहा है, ए सी स्क्वायर ये भी दिख रहा है, बी सी स्क्वायर नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा है और जबकि हमें मालूम है कि बी सी यहाँ है, बी डी प्लस सी डी दोनों को जोड़ेंगे तो बी सी आएगा। इसमें आपको 2ab स्क्वायर प्लस 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर से निकालना था। तो दो त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों में हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगा करके कि दोनों क्या कर दिए, हटा दिए। क्यों हटाए, क्योंकि ab स्क्वायर ab स्क्वायर हमको काटना है, क्योंकि ab स्क्वायर कहीं है नहीं है सिद्ध करने में, और साथ में ab स्क्वायर कोई मतलब मांग नहीं दिए है, इस वजह से हमको ए डी स्क्वायर को गायब करना है। तो दोनों को हटा देंगे, दोनों कट जाएंगे, और कट करके इतना बचा हमारा ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अब बी डी यानी बी बी, बी डी तीन सी डी के बराबर है, जो बी डी है वो थ्री सी डी के इक्वल है। ये कहाँ से आया, डी आर। अब हमको ये बी डी और सी डी देख रहे हो, बी सी लाना, क्यों, क्योंकि हमको बी सी सिद्ध करना है। तो बी सी लाने के लिए आप बी सी बराबर बी डी प्लस सी डी रखिए, बी सी बराबर बी डी प्लस सी डी करेंगे। और बी डी बराबर क्या है, थ्री सी डी, जो इसमें रखोगे थ्री सी डी प्लस सी डी तो फोर सी डी हो जाएगा। आपको सी डी को बी सी रूप में चेंज करना है, इस वजह से सी डी का मान बी सी बटा चार आ जाएगा। ठीक है, सी डी का मान बी सी बटा चार ले आए। अब इसके बाद अब हम बी डी को देखेंगे, बी डी को बी सी ग्रुप में लाना है, तो फिर से इसको यही प्रक्रिया करेंगे, बी डी बराबर थ्री सी डी, और इसमें जो है हमको बी डी लाना है इसकी जगह पे, इसकी जगह पे बी डी लाना है। तो इसके लिए आप सी डी का मान निकालें बी डी ग्रुप में, जब बी डी हम मान आ जाए इसमें रख देंगे, बी डी बटा तीन रखेंगे और लासा लेंगे तो चार बी डी बटा कितना हो जाएगा, तीन। अब बी डी को मान किस में लाना है, बी सी रूप में लाना है, तो बी डी बराबर बचाना है और बाकी सब आपको भेज देना है, क्योंकि भाई ये सब बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है, यानी ये बराबर है। तो बी डी बराबर हो जाएगा तीन बी सी बटा चार। अब हमको मान इसमें रखना है समीकरण तीन में सी डी बी डी के। तो लिखेंगे समीकरण तीन में सी डी व बी डी के मान रखने पर, बी डी व सी डी के मान रखने पर जब रखेंगे तो क्या आएगा, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बराबर सी डी बराबर कितना है, बी सी बटा चार, बी सी ग्रुप में बी सी बटा चार होल स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। फिर माइनस बी डी का मान कितना है, थ्री बी सी बटा चार का होल स्क्वायर, अब होल स्क्वायर उसको निकाला जाए। यस सर। तो ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर बटा चार का वर्ग 16 हो जाएगा। इसी तरह तीन का वर्ग 9 बी सी स्क्वायर बटा चार वर्ग 16 16 का लासा दिए देंगे कितना आएगा, 16 ही आएगा। 16 लासा हो गया, बी सी स्क्वायर माइनस 9 बी सी स्क्वायर उसी तरह उतर आएंगे। यस सर। 9 बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर जुड़ेगा घटेगा, घटेगा क्योंकि प्लस माइनस का चक्कर है। अब कितना आ जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बराबर माइनस का आर बी सी स्क्वायर, माइनस का आर बी सी स्क्वायर क्यों आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या चिन्ह घटाने पर बनाना है, 8 से 16 कट जाएगा, काट देंगे 8 एक का मान 8 दूनी ये बटा का 2 है, इधर भेजेंगे तो गुणा में आ जाएगा, 2 ए सी स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर दोनों को गुणा में जाएगा, और बचा है आपका माइनस का बी सी स्क्वायर। अब
ए बी स्क्वायर को सबट्रैक्ट किया जाए, ए बी स्क्वायर को सबट्रैक्ट किया जाए, कितना आ जाएगा? 2ab स्क्वायर प्लस का बी सी प्लस का बी सी स्क्वायर बराबर 2ab स्क्वायर। ये तो आ गया। यस सर, वही तो है। यस सर, यहां लिख देना आता है 2ab, इसको पहले लिख लो 2ab स्क्वायर, 2ab स्क्वायर बराबर 2ab स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर ज़्यादा कठिन नहीं है। yes, ये कुल मिलाकर के यहाँ आपको ध्यान देना है, ये यहाँ आपको इनके मान bc के रूप में प्राप्त करना है। तो bc को क्या लेना, बदल देना है, हल कर लेना, ठीक है। yes,